रोहित और कोहली, इन दोनों में से कौन सा आपको बेटर कैप्टन लगता है? इसी बॉल में बन गया तो बन गया। काफी टाइम बाद इतना इंटेंस चेज हमें देखने को मिला है। दो ये क्या तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं? इनके लिए दो हमारे लिए। भाई ग्राउंड में खाने के अलग ही मजे हैं। ये अच्छा मार रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन और आज हमारा एक क्रिकेट मैच होने वाला है और यार जितना एनर्जेटिक मैं अभी लग रहा हूँ शायद ग्राउंड में जाके उतना नहीं लगूंगी, बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है। अभी मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे के टाइम ये देखो कितना यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है मेरे घर के पास। और ग्राउंड में जाने के बाद तो आप सभी को पता ही है, ओपन ग्राउंड होएगा और अब वहां पे जाके पता चलेगी कितनी ठंड होने वाली है। कल मेरा पेपर था सैटरडे के दिन, आज मैच है संडे के दिन और मंडे को भी मेरा फिर से पेपर है, तो आपको शायद ये वाला ब्लॉग ट्यूसडे को देखने को मिल रहा होगा। तो आज हमारा व्हाइट बॉल मैच है। कलर ड्रेस मैंने पहन रखी है और अंदर कितने कपड़े पहन रखे बस पूछो मत, 2-3 आराम से मैंने पहन रखी है लेयर्स। पूरा पैक होके हम जाने वाले हैं क्रिकेट मैच खेलने और जब तक हमारी बॉडी वार्म अप नहीं हो जाती है तब तक हम पूरा पैक्ड रहेंगे। और मैं अभी दिखा दूं तो यार ये देखो सारा सामान अभी फैला हुआ है। आज हमें व्हाइट बॉल से खेलना है तो ये वाले पैड्स भी हमें अंदर डालने होंगे और ये सारी पैकिंग भी करनी है अभी। A few moments later. तो गाइज किट पैक हो चुकी है और किट पैक करते करते यार मुझे एक इंसिडेंट याद आया, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था जब मैंने क्रिकेट खेलना ही स्टार्ट किया था। जो मैंने किट ली थी वो किट मेरी मम्मी लेके जाती थी एकेडमी तक और मैं मम्मी के साथ जाता था क्योंकि किट जितना तो मैं खुद ही था। एक दो हफ्ता मम्मी लेके गई थी और उसके बाद मेरे जो कोच है मेरे कोच ने देख लिया था, तो कोच ने पहले तो मेरे को डांटा था कि मैं अपनी किट क्यों नहीं लेके आता और मेरी मम्मी को मना कर दिया था किट लाने से। तो उस दिन के बाद मैं अपनी किट खुद ही लेके जाता हूँ। ये जितनी भी बड़ी किट मैंने आज तक कैरी करी है खुद ही करी है। छोटे छोटे बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो जो भी ये देख रहे हैं यार अपनी किट खुद कैरी करा करो, अपने पेरेंट्स को मत दिया करो। आप जरूर कमेंट करके बताना रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों में से कौन सा कैप्टन आपको बेटर लगता है। आज का क्वेश्चन हम ये रखते हैं ब्लॉग का, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। किट हमने पैक कर लिया है, एक वीडियो हमें शूट करनी है क्योंकि पूरा हफ्ता हमारा बिजी रहने वाला है। पहले मैच खेलेंगे, वीडियो शूट करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं आज। और फिर घर आके हमें पढ़ाई भी करनी है, कल के पेपर की तैयारी भी करनी है, तो बहुत ज्यादा बिजी डे रहने वाला है और आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस लाइट ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है, बनाना शेक है, थोड़ा गर्म दूध करके बनाया है और एप्पल खाने वाले हैं। तो आप भी कोई भी फ्रूट खा सकते हो, आप सभी देख सकते होंगे पूरा पैक कर लिया है मैंने, मफलर वफलर डाल दिया है और अब सीधा हम इसे खा के जाते हैं ग्राउंड। यार आप सभी के साथ भी ऐसा होता है क्या, मतलब जब लेट हो रहे होते हो जितनी भी रेड लाइट होती है सारी आपको रेड मिलती है? जब मोस्टली मैं लेट होता हूँ हमेशा रेड लाइट मुझे मिलती है। A few moments later. तो गाइस हम ग्राउंड में आ चुके हैं और यार ग्राउंड में आते ही मैं काफी लेट हो चुका था, तो आते ही भैया ने बताया कि हमारी पहले फील्डिंग है, तो मैंने विकेट कीपिंग पैड्स कर लिया है और आप सारी टीम को देख सकते हो वहां पे है। अभी टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और धूप भी निकल आई यार, काफी अच्छी धूप है आज के लिए, तो देखते हैं। ठंड तो हो रही है बट विकेट कीपिंग आई है ये अच्छी बात है, वार्म अप हो जाएगा बैटिंग से पहले। बॉल ओ यार बॉल है यार।
तो गाइस मैं आप सभी को स्कोर अपडेट दे देता हूँ। 10 ओवर हो चुके हैं, 79 रन्स और एक विकेट जस्ट अभी गिरी है 10 ओवर के बाद ही, और कीपिंग भी मैंने चेंज कर लिया, 10 ओवर मैंने कीपिंग किया, 10 ओवर दूसरे भैया करेंगे। तो अब फील्डिंग करते हैं, 10 ओवर जितने रन हो सकते हैं उतने रोकते हैं, कैचे जो भी आती है पकड़ते हैं। बॉलिंग बॉलिंग सुरेश, इतनी घुमा दी गाइस, इतनी इतना टर्न मैंने जैसे ही कीपिंग पे हटाऊं, दो विकेट बैक टू बैक दो ओवर में आ गई है। तो ये भी थोड़ा लक का इफेक्ट होता है, जब से मैं कीपिंग कर रहा था तब तक कोई भी विकेट नहीं आई थी, अब वो नवीन भैया गए हैं कीपिंग पे, उनके लगते ही दो ओवर में दो बैक टू बैक विकेट आ चुकी है। या। दो तो यहाँ से कहीं नहीं लेने देगा आपका भाई, टेंशन मत लेना। ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दो घोड़े हैं, ये राहुल भैया के घोड़े हैं, ये देखो हमारे पास आ रहा है, वो देखो वो एक वहाँ पे मजे ले रहा है। ये ऐसे लेट लेट के क्या कर रहा है ये? अच्छा भैया ने बताया ये लेट लेट के अपनी थकान दूर करते हैं ऐसे। मार दे बैटिंग, लवली बढ़िया लड़के। अरे से गाइस कैच कैच पकड़ लिया, बट लगी बहुत है यहाँ पे, पूरी यहीं पे लगी, ये नहीं पकड़ सकता हाई कैचिंग के लिए। अगर आप सभी को वीडियो चाहिए 100 कमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 100 कमेंट्स हाई कैचिंग के ऊपर अगर इस ब्लॉग पे आते हैं, तो हाई कैचिंग के ऊपर मैं नेक्स्ट जो भी हमारे चैनल पे वीडियो आएगी वो हाई कैचिंग के लिए होने वाली है। तो गाइस स्कोर की बात करूँ तो दूसरी टीम ने 162 रन बनाए 20 ओवर में, उनकी 7 विकेट गिर चुकी थी, आपके भाई की वजह से एक कैच आई थी वो पकड़ ली है। तो अब देखते हैं हमारी टीम 163 रन चेज कर पाती है फिर नहीं। क्या चल रही है अंदर आ रही है, देख के रखिए पेस ठीक है, ठीक आराम से कोई जल्दी नहीं। लेक्सिक थैंक यू, बैट ऑन, बहुत अच्छे या बहुत बढ़िया या कौन वेल बोल्ड या वेल बोल्ड वो ये बन रहा है हैं, यूट्यूब बन रहा है, यूट्यूब हाँ ये ब्लॉग बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यार। दो देखो या एक और आजा आजा जाओ, क्लियर है बनमो, थैंक यू या ठीक है, बहुत बढ़िया आ जाओ, क्या
पूरा ले तू, पूरा नहीं ले रहा, डिप आ रही है इसकी, पूरा ले। वेट वेट वेट, गाइस आपका भाई आउट हो चुका है आज, बोल्ड हो गया मैं, और काफ़ी अच्छी बॉल थी टू बी ऑनेस्ट, इन स्विंगिंग यॉर्कर थी और मैं स्ट्रेट ड्राइव खेलने चला गया और बीट हो गया मैं, काफ़ी अच्छी यॉर्कर थी और जो बॉलर थे कुछ ज़्यादा ही पम्प्ड अप थे और रेज में थे, तो उनने कुछ शब्द भी कहे थे, वो आपने क्लिप देखी होगी, बट कोई नहीं, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनने विकेट लिया, वो सेलिब्रेट करने का तरीका है, चलो उनको करने देते हैं। बट यार अभी मैच का मैं आपको हाल बताऊं तो 48 बॉल्स में हमें 58 रन चाहिए। और ये मोहित भैया मैन ऑफ द मैच बने आज के, कितने रन स्कोर करे, 68 रन बनाए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे भैया आप आज की पारी के बारे में? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, बहुत क्रूशियल इनिंग थी। और कितने टाइम बाद आपकी हाफ सेंचुरी लगी है? सिर्फ तीन मैच बाद, तीन मैच बाद, लेकिन वो तीन मैचों में जीरो दे दी। अच्छा, 50 से 50 आया। सेकंड लास्ट ओवर के बारे में क्या ख्याल था? बिल्कुल ही गाइस व्हाट अ मैच इट वाज, मतलब इतने ज्यादा मजे आ गए, काफी टाइम बाद इतना इंटेंस चेज हमें देखने को मिला है, और लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे हमें, और एज लग के फाइन लेग से पहला चौका आया और एक और चौका आया कवर्स के ऊपर से, बहुत ही अच्छा शॉट मारा भैया ने। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली, जो मतलब बॉलर ने मेरी विकेट ली थी, तीन और हमारे मेन बैट्समैन की विकेट ली थी, ग्रेट बॉलिंग बाय हिम, शिवम नाम था शायद, शिवम गुड बॉलिंग इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग। कैसे पिकनिक पे आ रहे हो, चटाई वटाई और ले आते? दो तो ये क्या तस्करी करते हुए पकड़े गए? इनके लिए दो हमारे लिए। गाइस हाय कर देना। हमारा लंच टाइम हो चुका है, लंच में क्या क्या है ये बता दे यार। ये सब भाई रोटी है, दाल भाई, जन्नत जन्नत भाई, क्या ही लस्सी है, मीठी लस्सी, ये वही चीज है जो हम ट्रिप पे जा रहे थे। हाँ, एसजी की फैक्ट्री गए थे तब ये लेके आया था, ये एक है और इसमें भी है, और अंदर क्या है सब्जी में, सब्जी कौन सी है, दाल है और चटनी, तो भाई अपना देसी है पूरा आज, रोटी दाल चटनी और लस्सी वस्सी खाएंगे, अभी लंच हो रहा है और इसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि तीनों ग्राउंड बुक्ड है तो अभी प्रैक्टिस करने की जगह भी नहीं है। कैसी लग रही है भाई ग्राउंड में खाने के अलग ही मजे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये अच्छा मार रहा है, तो गाइज अब टाइम हो चुका है 5:30 और हमने पहले सुबह मैच खेल लिया, उसके बाद सचिन और यश आए थे, थोड़ी बहुत बातें करी, चिल करा, खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, एक वीडियो भी शूट करी, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था आज। आज के मैच में हमारा ज़्यादा अच्छा योगदान नहीं रहा है, बट कोई नहीं, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, पूरा जी जान लगा दूंगा, आप बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, हम मिलेंगे आपको जल्द ही एक और नए ब्लॉग में, जय हिंद नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट जरूर खेलते रहिए। I can make my money flip like 1, 2, 3, fly around the world down in New Delhi, yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding in a brand